तो जनाब ये कहानी है मेरे मनाली और उसके आसपास की जगहों को अन्वेषण करने की। अन्वेषण पूछोगे कि अब ये क्या? जनाब कहते हैं ना वो अंग्रेजी में एक्सप्लोर करना, बस वही। तो चलिए चलते हैं। सबसे बोरिंग काम पैकिंग एंड ऑल, सच्ची, बट हम करेंगे उसको अपने वुप स्टाइल में। लेके आ गए साथ में। ओह, मैं ये तो बताना भूल ही गया, मेरे साथ एक और दोस्त है, दानिश खान। आगे वीडियो में अच्छे से मिलाएंगे उनसे आपको। तब तक देखिए। कहाँ जाना? तो जी ये है हमारे दानिश खान। I'm faster than the wind when you're at the door. अभी तो आज ठंड के दिन है ना, तो नीचे से गर्मी से आते ना, हमारे को पता है ना। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन के लिए, जो थी सेठन विलेज। हमटा पास के रास्ते में पड़ता है, पर हम हमटा पास नहीं जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे स्टॉप चेक पॉइंट है सेठन जाने के लिए, और वहाँ पे हरे से डब्बे के अंदर हमारा बनता है कि फॉर्म है जिसे फिल करना पड़ता है, 100 रुपया है पूरी। आपके तो प्रिंट ही नहीं निकले बाबूजी, इन्होंने मना कर दिया। ये तो कहते हमारे पास मशीन ही है, पता नहीं क्या बोल रहे। वो आगे गए, उसका बेटा मुन्ना खाना नहीं खा पा रहा, 2 घंटे हो गए। अब यहाँ से कितनी दूरी पे रखेगा सर अपना सेठन? गाँव जाना कि हमटा पास जाना है अपना? है हमें जाना, मतलब वो हमटा पास तो बहुत दूर हो जाएगा, 10 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर हमटा होगा ना, हमटा एंड पॉइंट हमटा पास तो बहुत। अच्छा अच्छा, सेठन 10 है वो 15 है, ठीक है हमटा ही जाएंगे फिर तो। नाम ले जाए कि नहीं, रोड का बुरा लगा पूछ भैया को। नहीं आप बता दो, आप सलाह दो अच्छी। गया ही नहीं हूँ इसको, वहाँ रोकी जा रहे वहाँ जाने से लोगों को। आप ही भर दो, क्या भरना है इसमें? ड्राइवर भरेगा, ड्राइवर भरना, मेरे को क्या था? ड्राइवर का नाम भरना है, वो नाम पता भरना अपना।
आपके क्या पीने का मन है? कुछ खाने का खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, जो भी पीना आप बोल दिए निश्चिंत हो गए। नहीं बुरा खा गए बिगड़। जैसे औरों ने भी बताया था, सेठन एक छोटा सा आउटस्कर्ट पे गाँव सा है जहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है, और वैसा ही था, दो चार शॉप्स थी ज्यादा ज्यादा, बाकी इनर विलेज एरिया में तो हम गए नहीं, टाइम की शॉर्टेज बहुत थी, आगे भी जाना था। बाकी कुछ सीनिक व्यूज थे, आओ दिखाते हैं। तो सेठन से फिर हम दोबारा ओल्ड मनाली की तरफ वापस आ गए, और शाम भी हो गई थी काफ़ी, तो ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं माल रोड पे एक वन विहार है, वहाँ और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी आगे, उसी को देखने गए फिर इसके बाद। वन विहार यहाँ से टिकट करने के, ये कुछ दिखेगा अभी यहाँ पे 6 बजे बंद हो जाएगा ये। थैंक यू। नहीं नहीं आंटी जी, बस। वन विहार अच्छा था, बच्चों के लिए अच्छा था, था तो एक छोटा सा एरिया, वन टाइम है, आ सकते हो। अब इन्हीं कुत्तों को तू पत्थर मार रहा था मासी के मुंडे। हाँ वो भी मुंह बना रहा है। तो इसके बाद ज़्यादा नहीं, थोड़ा माल रोड घूमे और रूम्स पे चले गए, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था, थके भी हुए थे सफ़र की वजह से। एक मिनट, आप जनाब लोग हमें खुद बताएं कि आपको कैसा लगेगा जब आपके साथ आया हुआ मुसाफिर ही गायब है। ए दानिश स्वेरदा ही गायब है, मैंने कहता गर्म पानी पी के आ रहे हैं, गायब भाई साहब गायब। हेलो कॉर्नर वाले पे मासी का मुंडा, तो ये बता तू मेरे साथ आया है कि मेरे से अलग आया है? मासी के मुंडे 10 बार बोला मुझे, मुझे नहीं लगी भूख। क्या खा रहा पराठे खा रहा हूं, क्या खाया? बहुत बढ़िया गाना है, जो भी तू कह रहा था
फोन वाली बात। तो फाइनली नाश्ता कर लिया फिर हमने और निकल पड़े फिर अपनी अगली लोकेशन के लिए, द लॉन्गेस्ट टनल, अपना अटल टनल। चलो चलते। तो जनाब क्या बताएं आपको, सच बताएं तो लाजवाब था जो था। तो पहुंची हमारी गाड़ी फिर अटल टनल पे। अटल टनल पे देखा तो गजब का माहौल था जनाब। हम तो निहारने ही आए हैं इस कुदरत को यहाँ, इतनी दूर तो निहारा इसको थोड़ी देर, कुछ ठीक ठाक फोटो वगैरह ले ली, कुछ ब्लॉग के लिए वीडियोज़ बना ली, मैगी खाई, बाकी अब देखिए पीछे से हल्का हल्का म्यूज़िक आ रहा होगा। चलिए तो अटल टनल के कुछ आगे सीसू नामक एक जगह है जहाँ की सीसू लेक बहुत फेमस है। चलो दिखाते हैं आपको वीडियो। ये सीसू लेक के पास आ गए हैं अब हम, जबरदस्त माहौल है अभी, आराम से यहाँ पे 4-5 degrees टेम्परेचर होगा, हवा चल रही है बेसिक, कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा होगा, पूरी बर्फ गिर रही है। यहाँ कुछ लोकल एक्ट अपना डांस कर रहे हैं। बना सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बनाना। अच्छा बना लूँ। ठंड अलग ही है, टोपी लगा के निकाल दे, टोपी होगा, टोपी लगा। हाँ अब लग रहा है शेफ पूरा हर जगह अपनी चाय बनाता खुद जाके। बढ़िया बढ़िया। ये आ गए हम सीसू लेक पे, ये बढ़िया किया हुआ है, वैसे हर जगह किया होता है फिर भी लोग पागल हैं, नीचे फेंके जाएंगे कूड़ा वगैरह, मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता किसी को भी, ना नेचर को ना हमको। चलो सीसू लेक सूख रखी है इस टाइम पे तो।
चलो फिर भी दिखाते हैं। अभी तो ज़्यादातर सूख ही गई है सारी लेक, सर्दियों में है, शायद गर्मियों में होती हो, भी बर्फ देख सकते हो जैसे यहाँ तक भी आ गई है। बस 15 दिन बाद सारी जगह बंद हो जाएगी, रोहतांग तक पूरी कोई आवाजाही नहीं होगी। हम पहले ही आ गए शुक्र है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे, हम देखते हैं आखिरी बार देख लो सारा नज़ारा। अभी तक बर्फ गिर रही है वहाँ। कैसा लग रहा है आपको? देख नहीं रहा मेरे। हम थे तभी हमको लग नहीं रहा कि हमारी बड़ी बनी जा रही है। क्या हाल है बाजी तरन बाजी? नहीं हूँ मैं। नहीं हूँ कहीं किसी को भी जाना है, अमर जी को फोन करना है, इनका हम नंबर यहाँ पे दे देंगे कहीं पे, ठीक है, नंबर शेयर कर देंगे, लिंक में भी कर देंगे। अमर जी बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया चलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साइट जिनको पता है जहाँ ये दिखा सकते हैं जो नॉर्मली किसी को पता नहीं होती है, ट्रैवल वाले भी नहीं बताते, वो अभी भारत सरकार को भी नहीं पता जो इनको पता है, जो इनको पता है, यहाँ के लोकल है, इनको हर साइट का बड़ा डीपली इनको आइडिया है। हाँ जी अमर जी, आप बोल दीजिए, हमारी तारीफ में भी कुछ कह दो। वैसे सच बताएं तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं अमर जी हमारे, कैमरे के सामने नहीं बोले वैसे बहुत बोलते हैं। चलो यहाँ से फिर अमर जी हमें ले चले अंजनी महादेव के पास, जो एक छोटा सा ट्रैक है, ट्रैक पूरा करके ऊपर एक शिवलिंग है जिसके ऊपर वाटरफॉल होता है और सर्दियों में वो पूरी बर्फ से कवर हो जाती है। चलो दिखाते हैं के पास। सोलांग वैली आया, आया सोलांग वैली, यही है आगे यहाँ की होती है, यहाँ पे कुछ अभी है नहीं, बर्फ बर्फ है, यहाँ पे रुके हम। सोलांग वैली में इधर बैठ हूँ मैं, जा रहा हूँ पहाड़ों के ऊपर है ना, वो सिग्नल आ गए, क्या कमाल का व्यू है, वाह सिग्नल आ गए, ले बातें कर ले। हेलो मैं, मेरा नाम दानिश खान है, मैं मिस्टर तरन का फ्रेंड हूँ और हम दोनों साथ में घूमने आए, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है इस बार, मज़ा आया सच में, बहुत मज़ा आया। ये देखिए ये सारा कुछ पहाड़, ये बर्फ, ये वादियाँ, ये मौसम, ये आसमान, वाह मोदी जी वाह वाह। ले ये पाजी फोन पे बात कर रहे हैं, यहाँ हम परौंठे खाएंगे, सुबह से कुछ खाया नहीं दानिश जी ने, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, पहाड़ों पे दौड़ दौड़ के पैर कम थक रहा है, पैर ज़्यादा थक गया। अब हम जा रहे हैं अंजनी महादेव टेंपल। हाँ। क्या बात है, दानिश जी बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक को संभालते हुए। ये हमारे शेफर्ड जी, stay strong, टूर से बताएंगे ना, stay strong, नहीं किया दोनों ऐसी तो नीचे, ओहो दीस पत्थर दार नॉट कैप्ट राइटली आर वन दानिश गुड विजडम वाला बंदा गिर गया हो गया होता अभी। दानिश जी गिर के संभलने को बहुत आता है मुझे, गिर के संभलने, गिरते क्यों हो फिर जब संभलना है, सीधे तरीके से लो। ये जो तुम गर्म पानी पी रहे हो इसका असर है, ये जो गर्म पानी है
जनता आप बताए कौन सा गर्म पानी पिया जाता है इस उम्र में? मिनरल वाटर है। वो पहुंच गए हैं भाऊ जी हम सब, वो नीचे से आए थे हम, वहाँ कहीं से ना, यहाँ इसके नीचे से काफ़ी चढ़ाई थी, कईयों ने डराया गया हमें। किलोमीटर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं हम तो। पांचवा किलोमीटर हमारा स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ था, वहाँ से पांचवा किलोमीटर स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाने वाली बात है। हाँ कितना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। वो ATV वाले पैसे कमाने के चक्कर में हमें कहते हैं बहुत दूर है, बहुत दूर है। हाँ। बहुत दूर तुम पहुंच नहीं पाओगे। हम पहुंच गए। सबको कह दो लाइक सब्सक्राइब सबको, जो जूते लेगा उसको भी। बढ़िया व्यू आ रहा आ रहा है। हाँ चलो पूरा आगे जाके दिखाते हैं। ओडियां वो स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जा रहे हैं अभी। एक बार ऊपर जाए, एक बार ऊपर जाते हैं, फोटो नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ तुझे फोटो मैं दिला दूंगा, एक बार ऊपर चलते हैं, इसमें नहीं आएगी फिर कुछ भी। है ना, जूते यहाँ पे उतारे, ये जोत आ गई है। शिवलिंग है शायद ही दिख रही, मैं आपको फोन पे दिखाता हूँ, इस पर तो दिख ही नहीं रहा कुछ। ये शिवलिंग है, ये मतलब देख लो कैमरा पूरा 180 घुमा दिया है, इतना उमंगस है यहाँ पे। पता नहीं कैसे पहाड़ टूटा है ये, तहस महस होके। तो कर लिए दर्शन, चलते हैं फिर, हम अगली बार फिर आएंगे। दानिश भूत लग रहा तू। तो दोस्तों अब तक तो अब हमारे साथ मेरी कहानी में साथ है, तो अब तक आपको तो पता लग ही गया होगा क्या हमारा रूटीन है, क्या कैसे है, क्या है जो आम है। सुबह सब उठते हैं, हम भी उठते हैं और तैयार होके निकल पड़ते हैं। पर नहीं, आपको आज बताता हूँ एक व्लॉगर की एक्स्ट्रा एडिट रूटीन, जिसमें ये व्लॉगर, हाँ ये जो दिख रहा है ये व्लॉगर, अच्छा खासा तैयार हो चुका है। 1.5-2 घंटा लगाया इसने नहाने, कपड़े पहनने, तैयार होने में, सब कुछ कर चुका है। ये एक बार नीचे भी जाके आ चुका है रिसेप्शन, फिर भी कमरे में दोबारा आएगा, कैमरा उठाएगा, ऑन करेगा, सब कुछ दिखाएगा, फिर सबको ऐसे ही बस हाथ लगाएगा, फिर पीछे कर लेगा, सामान उठाएगा, छोड़ देगा, अच्छा टेक नहीं आया, दोबारा उठाएगा, फिर छोड़ देगा। और ये सब कुछ ज़्यादातर दिखता नहीं है, एक एक सेकंड के शॉर्ट्स आते हैं, और इसके पीछे भाई साहब 2-3 मिनट की वीडियो है, और बस फिर सब कुछ जान जान के ठा ठा करके मारेगा, दरवाजे, कुंडियाँ, बटन, जिप लगाएगा बैग फालतू की बैग की, जो बस ये बस वीडियो के लिए बंद होता है बैग, नहीं तो खुला मुंह लेके बैठा होता है हमारा बैग भी पूरे सफ़र में। फिर चल पड़ेगा ये धड़धड़ करता हुआ नीचे, पौड़ियाँ उतरेंगे तो पौड़ियों वाला शॉट मस्त, और शीशा दिख जाए तो शीशे वाला शॉट भी मस्त है, टेढ़े मेढ़े एक्शन करेगा, फिर चल पड़ेगा नीचे। बस ये बताना चाहा तो बता दिया, आगे आप इंजॉय करो हमारी 2 दिन की बची हुई कहानी। चलो असली तो जनाब हमारी कहानी का वो मंजर आ गया है जहाँ हमने खुद पैसे दिए किसी को और बोला कि महाशय हमें ले चलो सबसे ऊंची पहाड़ी और वहां से हमें गिरने दो, थोड़ी देर हवा में भी रख लेना आसमान में। हाँ हाँ पैराग्लाइडिंग जनाब। जो भी एरिया कुल्लू का यहाँ दिख रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करके इधर कहीं लैंड करेंगे। पर दे बस अपना नाम पता सही भरियो, 11 है ना? हाँ हाँ 11। यहाँ पे करीबन 3200 रुपये मांगते हैं, फिर भी थोड़ा डिस्काउंट उसको ले लो तो बढ़िया रहता है। हमारा दोनों का 5000 में मान के हमारा नाम ले लेना, देंगे नहीं वैसे डिस्काउंट। यहाँ से फिर एक हमें 4x4 में लेके जाया गया, पर वो सफ़र
बहुत अजीब था। करीबन एक घंटे का ट्रैक था पूरा, और ड्राइवर साहब हमारे बहुत हैवी ड्राइवर थे। भाई साहब ऐसे लग रहा था जैसे हमें कोई किडनैपिंग हो रही है साउथ की मूवी में। कितनी देर लगी बस? थोड़ी देर, 5 मिनट। वाह, थोड़ी देर ज्यादा घुमा लेना इधर उधर। मैंने आपके साथ आना, आप कराओ अच्छे से कराओ, मुझे कोई Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, सच्ची यार ये मेरा बेस्ट पार्ट था इस कहानी का। यू शुड ऑल एक्सपीरियंस दिस #recommended। फिर यहाँ से हमने दोबारा मनाली की तरफ गाड़ी मोड़ ली, और वहाँ फिर हमने जोगनी वाटरफॉल जाने का सोचा, जो एक छोटा सा ट्रैक है और बहुत बढ़िया जगह है। आइए दिखाते हैं। उससे पहले कुछ सफर के शॉर्ट्स भी देखिए। लिया छोटा सा लंच हमने यहाँ पे, फिर आना है यहाँ पे, अच्छी जगह है। अगर भाई जान कहाँ जा रहे हो? जोगनी वाटरफॉल। कैसा लग रहा है आपको दानिश? बहुत एक्साइटिंग। यहाँ से जाना है एंट्री? यहाँ से जाना है, एंट्री पॉइंट है उस जगह। वाटरफॉल यही है? हाँ हाँ, वो लिखा तो है बाहर। खाली जगह पे गिरता है यार। ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, ये जाता है इधर जब वो फॉल आ जाएगा। मेन यहाँ से जाना है हमने, मेन जो जोगनी फॉल आता है अपर में। आधे ज्यादा लोग वहीं रुके हुए हैं, उन्हें पता नहीं है। नरेश भाई कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक, समझ गया समझ। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। वो लोग दिख रहे हैं, यहाँ जाना अभी भी। कितनी सारी धन दौलत ले ली आपने मेरे से? कोई धन दौलत नहीं ली, तब वो देगा तब क्या करेगा? नहीं नहीं, सारी दौलत ले ली मेरे 10-10 की। चल चले। I've been pushing away everybody I love.
I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave. But I'm not even close. Won't you save, 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 save me? Won't you save, 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 save me? I am out here alone, 'cause there's nobody left. I need someone to talk to, get this pain on my chest. All the bad things I've done, and the people I've hurt. Wanna take that part of me and leave it in the dirt. Won't you save, 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 save. चलें फिर दानिश, आखिरी दिन. तो बाय बाय कहते हैं इस रूम को. बाय बाय कहते हैं इस रूम को. फिर कभी हो सकता है, लेकिन इस रूम में तो कभी नहीं. इस रूम में तो कभी नहीं. इस रूम में गाइस होटल में एक मिनट साइड हो गया, इसको ये दिखा दे रहा हूं. होटल राजहंस यहां तो कभी भी नहीं. एक तो ये देखना है, ये तो बहुत ज्यादा फ्रीक आउट कर रही है मुझे. जब पहली बार मैं आया ना, ये पता नहीं क्या है, ये मुझे लगा कहीं का दरवाजा कहीं का पड़ा हुआ है. इन्होंने पता नहीं क्या बना रखा है. ये ऐसे ये वो जादूगर का नहीं होता कि अंदर रखा फिर गायब हो गया. अलमारी बना रखी है भाई साहब, दरवाजा. बाकी ठीक है, हमारे पास एक लैंप भी था तो कल नहीं लगा हुआ है. लेकिन यार इस होटल में तो नहीं आने का, सब जगह जाने का, यहाँ नहीं आने. चलो चलते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको. ओके, ये व्यू साइड था हमारा पूरे होटल का. हमने मांगा था कमरा उस व्यू का, इन पतंदरों ने हमें ये दे दिया जंगल से को. चलो ठीक था, बाकी बढ़िया है. शीशे वाला शॉट तो गया नहीं अभी तक. तो आज हमारी वापसी थी चंडीगढ़ के लिए, और फिर होटल से चेकआउट किया. हडिम्पा टेम्पल रह गया था हमारा, अब वही बस जाते जाते देखने जा रहे थे. फिर वहाँ से सीधा हम निकलेंगे मणिकरण साहिब के लिए, और मणिकरण से फिर सीधा अपने घर चंडीगढ़. तो चलो दिखाते हैं. हडिम्पा टेम्पल का है बात. हडिम्पा टेम्पल यहाँ सामने. आगे चल सकते उनके बेटे जी गटोच के इसका मंदिर है. Thank you.
पहुंच गए। तो जनाब ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। शुक्रिया सबका जो अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ थोड़ी लंबी बन गई है, पर लंबे समय के बाद भी तो आई है। चलो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों में दिखाना यारा। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी और व्लॉग में, तब तक।